तो स्वागत है आप सभी का हमारे एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो बड़ी ही ऐसी रही, मतलब कि दिन भर हाथ पांव काम नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी अब, क्योंकि पूरा दिन हो गया ट्रैक्टर का काम करवाया। और क्या क्या काम करवाया, क्या क्या डलवाया, वो सारा मैं डिटेल से डाल दूंगा। लेकिन मैंने वीडियो कुछ भी शूट नहीं की, वीडियो शूट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। सारे जो हाथ थे वो काले हो रहे थे, तो इसलिए वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाई। तो जो भी हुआ, जो भी उसमें काम करवाया, कितना खर्चा आया, क्या है क्या नहीं है, सारा एक वीडियो बना लेंगे, ताकि अपने को भी पता रहे कि अपने ने इसमें ये काम करवाया, इतना काम करवाया, इतना खर्चा उसमें होने वाला है, हुआ है। आप बगैर कभी काम करवाना चाहो तो किसके पास आपको काम करवाना चाहिए चाहिए रामगंज मंडी में। तो ये सारी बातें जो है इस वीडियो के अंदर आने वाली है। उससे पहले मैं नहा लेता हूँ, क्योंकि मेरी जो हालत बहुत ख़राब हो रही है, हर जगह से पसीने आ रहे हैं भाई साहब। ये देखो हालत खतरनाक हालत हो रही है मेरी। तो कपड़े देखो, कपड़े की हालत दिखाता हूँ आपको। ऊपर जो टी शर्ट है ना, इस पर तो कुछ खास नहीं है, लेकिन अभी यहाँ से देखो आप, यहाँ से अभी यहाँ यहाँ का जो पार्ट है ना, ये ठीक है ना। थोड़ा सा नीचे देखेंगे ना, ये देखो कैसा हो रहा है, काला काला। ये देखो ये पूरी हालत खराब हो रही है पूरी। देखो ये देखो, तो पहले नहा लेता हूँ, उसके बाद में वीडियो शूट करेंगे भाई साहब। हालत बहुत खराब हो रही है पूरी जगह, मतलब ये सब चपचपा सा शरीर हो रहा है पूरा, ये हालत हो रही है खराब। तो मैं नहा लेता हूँ, नहाने के बाद पूरी वीडियो आपको डिटेल से बताऊंगा कि क्या क्या इसमें ट्रैक्टर में सामान डलाया और कहाँ पे काम करवाया, मिस्त्री का नाम क्या है, सब कुछ बताऊंगा वीडियो के एंड में, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। पहले मैं नहा लेता हूँ। तो नहा लिए, खाना भी खा लिया, शुरू करते हैं वहाँ से जहाँ पे, मतलब यहाँ से मैं ट्रैक्टर लेके गया। सुबह मैं ट्रैक्टर लेके गया, 9 बजे ट्रैक्टर लेके मैं मिस्त्री की दुकान पे पहुँच गया था लगभग 9, 9:30 बजे। तो जाते ही मैंने सबसे पहले तो जो अपने ट्रैक्टर का जो आरपीएम मीटर होता है ना, उसकी जो चेन होती है वो सीधी इंजन में लगती है। तो वहाँ पे से उसमें एक छोटा सा रिंग डलता है 50 रुपये का, तो केवल इतना सा ही काम था, उसमें ज़्यादा काम करना नहीं था। मैं उसी के पर्पज़ ट्रैक्टर लेके गया था कि उसमें वो रिंग डलवा लेंगे और वापस आ जाएंगे। लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है, करवा रहे हैं काम। तो मुझे पता नहीं था कि कितना खर्चा आने वाला है ट्रैक्टर में ऑलमोस्ट। तो मैं चलो शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले तो छोटा छोटा काम कर लेते हैं, उसके बाद में बड़ा बड़ा काम देख लेंगे। तो जैसे हमने वो रिंग डाली, 50 रुपये का खर्चा आया उसमें, 50 रुपये की रिंग थी वो। तो डालने के बाद ट्रैक्टर कंप्लीट था, ऑयल आना बंद हो गया उसमें से। तो अब मैंने सोचा यार कि पैसे मेरे पे पड़े थे 3-4 हज़ार रुपये लेके गया था मैं, छोटा मोटा काम करवा लेंगे। तो फिर मैंने कहा कि चलो पीछे इसमें लिफ्ट की जो आर्म्स होती है ना, जिन्हें हम देसी भाषा में टांगे बोलते हैं, ट्रैक्टर की टांगे जो होती है ना, उनमें से ऑयल आ रहा था। ऊपर की साइड से जो आर्म्स होती है ना, उनमें से ऑयल आ रहा था। तो उसके शाफ्ट का जो है, मैंने 2 बारी पैकिंग डलवा चुका हूँ मैं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। शाफ्ट का जो है पैकिंग डलवाने के बाद भी उसमें ऑयल आ रहा है। तो लगभग साल भर हो गया, साल भर पहले मैंने सर्विस कराई थी कोटा, तब वहाँ पे उन्होंने कहा कि यार इसकी जो है हम पैकिंग डाल देते तो ऑयल रुक जाएगा इसका। ठीक है चलो डाल दो। पैकिंग डाली थी उस जो डाल के गाँव में लाया ना, उसमें मुझे कोई फ़र्क नहीं दिखा, ऑयल आ रहा था वो आए आते रहा। लेकिन फिर मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने चलो हटाओ, क्योंकि मैं गांव में आ गया था। मैंने कि वापस कौन जाएगा, कौन आएगा, क्या करेगा, चलो रहने दो। उन्होंने वो आपदा डाली, क्योंकि उसका क्या होता सिस्टम कि पूरा वो खुलता, पीछे का जो प्लेट होती है ना उसकी, जो मतलब सीट के नीचे का जो पूरा हिस्सा होता है आगे से लेके पीछे तक का, स्वराज अपने सोना लिखा है ना उसमें, पीछे का जो हिस्सा है पूरा पूरा हिस्सा स्वराज का है। तो वो पूरा खुलता है आगे से लेके पीछे तक के, उसमें लगभग मान के चलिए आपको 20 के आसपास नट होने चाहिए। उसमें 10 ही साइड्स होते होंगे, तो 10 ही साइड होते होंगे, 20-22 नट होते हैं जो खोलने पड़ते हैं अपने को। उसके बाद वो प्लेट टूटती है, प्लेट टूटने के बाद वो प्लेट नीचे रखनी पड़ती है। उसके बाद में जो है शाफ्ट का पूरा सिस्टम समझ में आता है कि इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सारा सिस्टम। तो फाइनली हमने रामगंज मंडी में खोला हो। मिस्त्री जी का नाम है मुरली, मुरली जी मिस्त्री हैं, तो बहुत गजब काम करते हैं भाई साहब। उनका नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कभी भी आप रामगंज मंडी में जाओ, कभी भी उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ट्रैक्टर का कोई भी काम हो, बहुत अच्छी तरीके से संतोषपूर्वक काम करते हैं, बहुत अच्छा व्यवहार है उनका। और ऐसा नहीं है कि लूटामारी करते हैं कि भाई कोई भी पैसा, मतलब कितना भी पैसा मांग लिया, कर लिया, ले लिया, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे करते हैं काम को, आराम से करते हैं, और जो वाजिब रेट होती है ना वो ही लगाते हैं। उसके बाद भी अगर आप उन्हें बोलते हो कि यार थोड़ा बहुत कम कर लो, तो ऐसे कम कर भी लेते हैं। ऐसा नहीं है कि उनका व्यवहार ऐसा है कि, मतलब कुछ लोगों का व्यवहार ऐसा होता है ना, जो क्या ही बताऊँ मैं आपको। तो उन्होंने ट्रैक्टर खोला, खोलने के बाद पता चला कि भाई उसमें तो जो है बुच भी है कट गए थे, और बुच की जो शाफ्ट होती है ना पूरी अंदर वाली, तो उसमें भी रेसे आ रहे थे। तो
उन्होंने कहा कि ये सॉफ्ट भी बना ही लेते हैं क्योंकि खुल ही गया ना, तो वैसे हम अगर इसमें बूच भी डालते हैं ना तब भी चल जाता, लेकिन उन्होंने कहा कि खुल तो हो रहा ही है तो थोड़ा बहुत खर्चा आएगा लेकिन करवा लो इसको भी, कंप्लीट हो जाएगा काम, एक नंबर हो जाएगा। चलो ठीक है करवा लेते हैं अभी। तो पूरा सॉफ्ट जो है निकाल के लेथ मशीन पे लेके गए, तो वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने कहा कि भाई इसमें 600 रुपये का आपको खर्चा आने वाला है, क्योंकि 300 रुपये की साइड के बनते हैं, एक साइड पे माल चढ़ा के उसको घिसने के 300 रुपये बनते हैं, तो दोनों साइड के मिला के 600 रुपये उन्होंने लिए। तो वो सॉफ्ट उन्होंने कंप्लीट कर दिया घंटे में। तो उसके बीच में हमने वहीं पर जो ट्रैक्टर के पार्ट्स मिलते हैं दुकानों में, 2-3 दुकानें वहाँ पर मंडी में, आप देख लेना आपके हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगे। तो सभी वैसे कोई कम पैसे नहीं लेता, कोई ज़्यादा पैसे नहीं लेता, थोड़ा बहुत फर्क होता है, 150 रुपये का, इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। बस सामान मिलना चाहिए अपने को, तो जो पार्ट्स जो अवेलेबल अपने को जो चाहिए ना वो पार्ट्स मिलना चाहिए अपने को, तो बस पैसे से क्या मतलब है, पैसे तो जो सभी को देनी है। और तो वहाँ पे हमने बुच के लिए ट्राई किया कि कैसे इसमें बुच आने वाला है, तो पुराने बुच लेके गए हम उनके पास, तो उन्होंने निकाले और लगभग 980 रुपये का खर्चा आया बुच का। इसमें 6 बुच थे, 3 बुच एक साइड के, 3 बुच एक साइड के, 6 बुच थे, उसके साथ में 2 रिंग जो है उसके साथ में ही थी, मतलब तो ऐसे कर 980 रुपये का खर्चा उसमें आया। और लेके गए तो देखा प्लेट में, भाई साहब एक बड़ी बात ये है कि अपने ट्रैक्टर में पीछे का जो ऑयल है ना वो पूरा खराब हो रहा है, पूरा ऑयल खराब हो रहा है, पता नहीं क्यों कैसे क्या हुआ, उसमें पूरे पीछे का जो ऑयल है ना उसमें पानी मिल रहा है। तो उन्होंने कहा कि इसको चेंज करा लो क्योंकि पानी मिल रहा है इसमें। तो जो ट्रैक्टर के पार्ट्स रखते हैं उन्होंने बोला कि अभी इसको चेंज मत करवाओ बरसात में, क्योंकि बरसात में चेंज करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, बरसात में ट्रैक्टर, हम सोचते हैं कि ट्रैक्टर वाटरप्रूफ होता है, ट्रैक्टर के अंदर पानी नहीं जाता है, पानी जाता है, पानी घुसता है, कहीं ना कहीं से पानी घुस ही जाता है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पानी ले लेती हैं। तो उन्होंने कहा कि इस बार ही तो रहने दो, अगली बार सर्दी में करवा लेना है तो दीपावली के आसपास जब सर्विस कराने आओ ना आप, तब इसका ऑयल चेंज करा लेना, अभी 8-10 हज़ार रुपये खर्चा करोगे कोई मतलब नहीं आएगा, फिर से पानी मिक्स होने की संभावना है। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि इसमें ऑयल में पानी आया कहाँ से, मुझे लग रहा है कि जो 2-3 दिन पहले अपने ना ट्रैक्टर को उसमें पानी में उतारा ना, तो हो सकता है कि वो वहाँ से पानी घुसा हो उसमें, पता नहीं कहाँ से गया पानी, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं इस बारे में कुछ भी। लेकिन पूरा जो ऑयल था ना उसका कलर, अब कैसा कलर रहा था उसका, मतलब अलग ही तरह का, जैसे मावा होता है, मावा पिघला हुआ मावा नहीं होता है, जो लिक्विड तरीके से होता है ना मावा, ऐसा सफ़ेद सफ़ेद, हल्का सा काला हल्का सफ़ेद, ऐसा कलर हो रहा था उसका, लगभग 50-60 लीटर उसमें ऑयल आता है। तो बड़ी हेडेक है भाई साहब, इतना पैसा कौन खर्च करेगा, अभी वैसे भी ट्रैक्टर खड़ा रहेगा अभी, तो मैंने कहा रहने दो इसको, आप तो इतना करो कि इसके जो है बूच वूच कम्प्लीट कर दो, फिर अगले राउंड में करवा लेंगे, सर्विस जब करवाऊँगा उसके साथ में करवा लूँगा मैं, तो वो उस काम को रहने दिया हमने। तो थोड़ा बहुत सामान और करके, मतलब जो पार्ट्स वाली दुकान पे बने अपने 1100 रुपये, और मिस्त्री जी ने लिए अपने से 700 रुपये, जो कि बहुत ही कम रिजनेबल रेट थी। और यह जो है कम ज़्यादा हो सकते हैं लेबर चार्ज, क्योंकि अगर आपके ट्रैक्टर में कोई और भी काम है ना तो उसके अकॉर्डिंग लेबर चार्ज कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन पैसे फालतू पैसे लेते नहीं हैं, जो बनता है ना वही लेते हैं। तो 1100 रुपये तो अपने पार्ट्स के बने, और 700 रुपये बने हाँ उनके लेबर चार्ज, तो 1800 रुपये, और 600 रुपये दिए अपने शाफ्ट के बुच कंप्लीट करने के लेद मशीन वाले को। तो ये इतना ही खर्चा आया था, कोई खर्चा था नहीं उसमें, 50 रुपये उस रिंग के लगे, छोटा मोटा खर्चा है तो चलता रहा। तो ये सारा काम कंप्लीट करवाया, इसके बाद में 2-3 काम और दिख रहे थे मेरे को कि एक तो सर्विस करवानी थी उसकी, आयल भाई सब इतना काला वर्क है उसका आयल, कि वहाँ से जो वो सिस्टम खोला था ना उसका, जो अपने RPM मीटर की जो चेन लगी होती है वहाँ का जो सिस्टम खोला था ना, उसमें से ऑयल आया, तो कह रहे थे इतना काला ऑयल कैसे हो रहा है इसमें, इसमें थोड़ा ऑयल कम हो गया था, तो बीच में मैंने इसमें जो अपना पुराना ऑयल पड़ा हुआ था ट्रैक्टर का तो वो इसमें डाल दिया था, इसलिए वो सारा ऑयल जो है ऐसा हो रहा था, काला वाला हो गया था, तो वो चेंज करवा लूँगा मैं। तो मैं आज भी करवा सकता था लेकिन शाम हो गई थी, मतलब शाम क्या 4-4:30 बज गए थे, सुबह 9 बजे से ट्रैक्टर खोलने लगे वो, तो बीच में वो टाइम भी लगा उस सॉफ्ट को निकालने में खोलने में, सॉफ्ट बन के आई कंप्लीट हो के आई,
उसके बाद में उसमें बूच वगैरह लगाए और पूरा मतलब सिस्टम जमाने करने में, और 2:30 बजे 3 बज गए थे लगभग। मैं खाना खा के गया नहीं था घर से, घर से ऐसे ही निकल गया था मैं। सुबह तो निकला ही था मैं 7 बजे, और मंडी जाते करते 9 साढ़े 9 बजे, तो मतलब अड्डे से फ्री होके मैं गया दुकान पे जहाँ पे ट्रैक्टर का काम करवाना था। तो ऐसे करते करते मतलब मैं पूरा मतलब डिस्चार्ज हो गया था आदमी। दिन भर क्या कर सकते हैं यार, मतलब नहीं गर्मी पसीने छूट रहे हैं, पंखे बंद कर रखा मैंने पंखा भी, क्योंकि पंखे की फिर आवाज़ आती है ना। 2400-2500 रुपये के काम में अपना पूरा काम हो गया ट्रैक्टर का, और फिर मैं घर आ गया।